किस बात पे, छोटी सी बात पे, आइसक्रीम के ये या मोबाइल गए, जरा सी बात हुई, ये बात बात नहीं है, उन्होंने टारगेट कर रखा है। बहन की शादी है आज, लगन लिखी जाती है उसकी, तो अब वो लड़की भी बेहोश हो रही है, बेकार में हो रही है, वो बात भी नहीं कर पा रही है। जैसे लव जिहाद है, ऐसे इन्होंने डर जिहाद फैला रहे हैं, डर जिहाद। लेकिन उसके पक्ष में 400-500 टोपी वाले मुसलमान लोग दूसरी साइड कहां से आ गए, तो ये साजिश है। राजधानी दिल्ली में लगातार जो है वारदातों का सिलसिला जारी है। इस एक बार फिर से जो है एक ऐसे वारदात को अंजाम दिया गया जहां पर जो है अपने आप में दिल्ली पुलिस को शर्मसार कर देने वाली ये खबर है। जी हां, कल रात को 10 बजे ब्रिजपुरी के अंदर जो है एक लड़के को सरेआम चाकू मारा गया। चाकू मारने के बाद जो है लड़का घायल हो गया, साथ में जो है उसका दूसरा दोस्त था वो भी घायल हुआ। और इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रिजपुरी में उसी राहुल लड़के की घर के अंदर। यहाँ पे तमाम उनके परिजन हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। क्या नाम है आपका? संजय। हाँ जी, संजय कश्यप। संजय जी, क्या हुआ था, थोड़ा इसके बारे में बताइए। वो ये था जी, कल रात 9:30 की बात है, लड़का खाना खा के थोड़ा बाहर टहलने के लिए गया हुआ था। भारत था ठेला, मदर डेरी आइसक्रीम का, वहाँ से उन्होंने आइसक्रीम ली, उन्होंने खाई, जो जैद है जो भी है हम पता नहीं कितना नाम क्या है, वो आया कहता अभी इधर आओ। बोला क्यों आए, कि यहाँ पे आओ, तो उन्होंने कहा हम नहीं आ रहे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या राहुल सोनू ये दोनों आपस में भाई? नहीं, कुछ नहीं था उनका। अच्छा, राहुल सोनू दोनों भाई हैं, मामा पूपी के। इनकी कभी इससे पहले जो है उस लड़के के साथ लड़ाई झगड़ा या दोस्ती? जानते भी नहीं है। अच्छा, उसे हम जानते भी नहीं है, वो तो एक शातिर बदमाश है, सब काम है वो जो एक टारगेट बनाना। अच्छा, आज सोनू कल मोनू कल टोनी बिंटी, उसका एक काम है कि रोजों को लूटना मारना कसोटना, तो इसी बात को लेके इनमें थोड़ी हाथापाई हो गई, राहुल सोनू और जैद में। इसके बाद जब उस पर काबू नहीं पाया, उन्होंने चाकू निकाला, राहुल को और सोनू को गोद दिया। राहुल की आज इस टाइम इतनी गंभीर है कि वो जिंदगी मौत के बीच में है। सोनू की तबीयत? सोनू अभी ठीक है, उसके हाथ में लगी चोट कोई इतना खतरा नहीं है। राहुल वैसे क्या करता है? राहुल एक सेल्समैन है। अच्छा। जो कि दुकानों पे चिप्स वगैरह करना सप्लाई। उनके परिवार एक साफ छवि का आदमी है। हाँ। कोई किसी में मोहल्ले में झगड़ा नहीं। हाँ। सुबह जाना शाम को आना, कोई दारू नहीं, कोई नशा नहीं, सिर्फ एक बीड़ी पीता था, लेकिन उसका कोई बात नहीं है, सिर्फ आइसक्रीम को लेके। अच्छा, लड़ाई की वजह पता चली कि किस वजह से जो है लड़ाई हुई? मोबाइल छीनना, पैसे लूटना। अच्छा, बस ये कारण था, लूटपाट करना उसका काम है, जो भी कुछ है, जैद है, सैफ है, जो भी कुछ है, उसका एक काम था लूटना। और बताया जा रहा है कि वो भी जो है इधर ही आसपास किसी गली में रहता है, दो गली आगे रहता है, दो गली आगे रहता है। हमने देखा नहीं, ऐसा हमने सुना है, लेकिन है वो उधर ही दो गली आगे। आपका नाम? मेरा नाम तो कलावती है। कलावती जी, राहुल आपके क्या लगे? वो मेरी बहन का बेटा है। अच्छा, बहन का बेटा है, तो ये आप भी यहीं रहती हैं या खबर पता चला उसके बाद आप आई? हाँ, मैं तो बात को आई थी, मुझे तो बात को पता चली थी। हाँ। तो पता चली कि उसको पेट में चाकू मार दिया है, मुझे तो फिर बहुत बेहोशी सी हो गई, मैं घबरा के मेरा बेटा घर ले आया, घर ला के फिर थोड़ा सा होश हुआ, तो फिर मैं उसके घर आई। घर आई तो बोले वो तो सब्जी टीवी गए हैं, उसको लेके गए हैं, और राहुल की बहुत तबीयत ख़राब है, मतलब बहुत उसको सीरियस में है लड़का, तो यहाँ बैठे रहे रात को, यहीं सोई मैं, और घर पे कोई नहीं था, एक भाई था मेरा, वो भी यहीं लेटा था। शादी का घर है, उसकी बहन की शादी है। अच्छा, राहुल की बहन की शादी? बहन की शादी है, आज लगन लिखी जाती है उसकी, तो अब वो लड़की भी बेहोश हो रही है, बेकार में हो रही है, वो बात भी नहीं कर पा रही है, अब बहुत तंग हो गई है सुबह से बेचारी, ना खाया ना उन पिया है कुछ भी, बहुत परेशान हो रही है, आज लगन लिखी जाती है उसकी। आप टी टी वी में है, अपने बेटा के पास है, वो यहाँ आई ना है। अभी राहुल की माँ कैसी है, वो कहाँ? राहुल की मम्मी अपने राहुल के पास है, अस्पताल में है, उसकी भी सांस की बीमारी है बेचारी, वो भी परेशान है,
उसको परिवार में कितने भाई बहन हैं राहुल? 7 बहन भाई हैं, 4 भाई हैं, 3 बहन हैं। एक बहन की शादी हो चुकी है, एक बहन की शादी हो रही है, कल 28 तारीख की शादी है। मेरा नाम मालती है। मालती जी, आप पड़ोस में रहती हैं? मैं तो हिंदू राष्ट्र से हूँ, हिंदू फ्रेंड से हूँ, और मैं सुन के हम यहाँ पे आए थे। ये बताइए, यहाँ पर जो है एक लड़के को सरेआम चाकू मार दिया गया, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? ये बहुत गलत हो रहा है, और इनको तो मारना चाहिए भाई, ये इनको छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, सवाल तो उठेगा, सवाल इसलिए उठेगा क्योंकि रात को जो है तकरीबन 10 बज रहे थे, और राजधानी दिल्ली में जो है रात को 10 बजे किसी का रात नहीं होता, सरेआम लोग आते जाते रहते हैं, और उसके बावजूद भी जो है कैसे कोई लड़का चाकू लेके घूम रहा है और उसके अंदर जो है किसी चीज़ का खौफ नहीं, चाकू निकालता है और वो सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। सर, आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र मनचंदा, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर जो ये राहुल के ऊपर, सोनू के ऊपर सरेआम, वो भी 10 बज रहे थे उस वक्त जो है उनके ऊपर हमला कर दिया गया? 10 बजे एक आम लोग शहर पे निकलते हैं, हाँ। जिसी तरह वो भी निकला कुछ आइसक्रीम खाने, और किस बात पे, छोटी सी बात पे आइसक्रीम के या मोबाइल गए, जरा सी बात हुई, ये बात बात नहीं है, उन्होंने टारगेट कर रखा है। जैसे लव जिहाद है, ऐसे इन्होंने डर जिहाद फैला रहे हैं, डर जिहाद। चाकू निकाला बड़ा सा, हाँ। और दे दनन खपा खप, यानी उनके हौसले बुलंद देखिए कितने, चाकू लेके तैयार हैं, मारने के लिए तैयार हैं, उन्हें खौफ नहीं है क्योंकि इनके ऊपर संरक्षण है। सर, आपका नाम? मैं अवध कुमार, महामंत्री दिल्ली प्रदेश यूनाइटेड हिंदू फ्रंट। अवध जी, एक बात बताइए, अभी तक जो है 15 से 18 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो हाथ है अभी तक वो अपराधी नहीं लगा है, बताया ये भी जा रहा है कि वो अपराधी जो है यहाँ से 2 गली छोड़ कर ही रहता है, उसके बावजूद भी अभी तक पकड़ा नहीं गया। यही संरक्षण की बात यहीं तो खुल रही है, हाँ। देखिए, 2 आम लोगों का अगर ये साजिश नहीं है, हाँ। तो 2 बच्चों का झगड़ा हुआ, 2 बच्चों का झगड़ा होने के बाद उस बच्चे को पकड़ लिया, जैसे एक्सीडेंट कोई करता है तो बच्चे को पकड़ लेते हैं, भाई गाड़ी नहीं जान देंगे, लेकिन उसके पक्ष में 400-500 टोपी वाले मुसलमान लोग दूसरी साइड कहाँ से आ गए, तो ये साजिश है, ये लव जिहाद, लैंड जिहाद और ये डर जिहाद जो भाई बता रहे हैं, ये साजिश है, और इस साजिश को यहाँ का जो राजनीतिक माहौल है इस क्षेत्र का, मुस्तफाबाद का, यहाँ का विधायक हो, यहाँ के काउंसलर हो, यहाँ जो पिछला दंगा हुआ है, यहाँ मुख्य आरोपी इसी वार्ड में रहता है, ताहिर हुसैन का घर इसी वार्ड में आता है, तो इनको संरक्षण है, और संरक्षण के मिलने की वजह से ये यहाँ पर लैंड जिहाद कर रहे हैं, मकान खरीद खरीद के उनको 6-6 मंजिल बना रहे हैं, 6-6 मंजिल बना रहे हैं, और 6-6 मंजिल में मतलब 30 परिवार रह रहे हैं, 30 परिवार रहने का मतलब है 150 आदमी एक फ्लैट में हो गए, 150 आदमी, 150 मुसलमान जहाँ होगा, यहाँ पूरे गली में 150 हिंदू नहीं होंगे, वहाँ एक फ्लैट में 150 मुसलमान हैं, तो ये इसमें MCD भी जिम्मेदार है। और एक और सवाल उठ रहा है कि अगर वो लोग जो है स्नैचिंग के इरादे से आए थे, लूटपाट के इरादे से आए थे, तो वो जो है सरेआम चाकू लेके घूम रहे, क्या पुलिस की पेट्रोलिंग इस इलाके में नहीं है? यही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि पुलिस को किसी का मकान का कोई नाली का पटरी भी बना रहा हो ना, हाँ। पुलिस को पता चल जाता है, हाँ। लेकिन इस इलाके में ये जिहादी खुलेआम हथियारों से लैस होकर घूम रहे हैं और आए दिन ऐसी वारदात करते हैं, लेकिन पुलिस को कोई कानो कान खबर नहीं है। ऊपर से पुलिस अभी लीपापोती यही करती है कि ये तो जी आपसी झगड़ा है, आपसी रंजिश है, जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये प्री प्लानिंग हो रहा है और ये रुकना चाहिए। और अभी हमारी यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की ये सिंबॉलिक मांग है, अभी तो हम डिमांड कर रहे हैं कि भाई आपको 24 घंटे में उनको पकड़ लाओ, अगर नहीं पकड़ के लाते तो फिर हम यूनाइटेड हिंदू फ्रंट अपने स्टाइल में अपना काम करना जानते हैं, इससे दुनिया भर की है। क्या नाम है? बबली। बबली जी, आप पड़ोस में रहती हैं? मैं आगे रहती हूँ। अच्छा, आगे रहती हैं, हाँ। ये बताइए, इस तरह की खबरें आना, सरेआम जो है आपके इलाके में चाकू मारना, किस तरह से देख रहे हैं? ये गलत है भाई, ये तो बहुत गलत हो रहा है, गलत हुआ है बात है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुआ है, ये गलत हो रही है, पुलिस क्यों नहीं कर रही है ऐसा, सब पकड़ना चाहिए ना, चक नहीं है, इतना शरीफ बच्चा है, बहुत ज़्यादा बोले बोल नहीं आता उस बच्चे को।
तो ये जो है यहाँ से हम ब्रजपुरा से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जिस घर में एक बहन की शादी होने वाली थी उसी घर में जो है एक भाई को सरेआम जो है चाकुओं से गोद गोद कर उसे घायल कर दिया गया। लड़का जो है अभी अस्पताल के अंदर है, अस्पताल में है, उसकी हालत जो है अभी बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। ये एरिया की एक बार तस्वीर दिखाइए कि ये इलाका कैसा है और यहाँ पर जो है लोग रहते हैं। यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर जो है दोनों समुदाय के लोग जो है वो मिक्स रहते हैं और यहीं से महज थोड़ी सी आगे जैसे ही राहुल जो है वो आइसक्रीम खाने जाता है तो उसके ऊपर जो है हमला हो जाता है। आप लोग पड़ोस में रहते हैं? मैं तो भैया दूर रहती हूँ, मैं तो सुन के आई हूँ। अच्छा, रात को सुना कुछ? अभी अभी सुनी मैंने तो। अच्छा, मैं तो वहाँ सी ब्लॉक में रहती हूँ मैं तो। आपका नाम? मेरा नाम, यहाँ ही रह रहे हैं पर रात सुन ली है मैंने, पर हमें पता ना क्या भयो यहाँ। ये बताइए आप लोग इस इलाके में रह रही हैं और इस तरह की घटना जब हो रही है क्या लगता है, इसको देखते हुए लगता है आपको कि आप सुरक्षित हैं, आपके बच्चे सुरक्षित हैं? कहीं भी ना है, मुसलमान कहाँ रहने दे रहे, कुछ ना रहने दे रहे, चौधरी कहीं ना रहते, सब भाग रहे हैं यहाँ से, सब भाग रहे हैं बेग बेग के। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी बहन को भी धमकी दिया उन लोगों ने कि हम उसे भी चाकू। सुनाई सुनिए कि ये धमकी शादी है लड़की की, आज की लगन लिखी जाती है। सरेआम जो ये देखिए कि अपराधियों के अंदर जो है किस तरह से उनके हौसले बुलंद हो गए हैं कि वो जो है इन्हें धमकी दे रहे हैं। हालांकि FIR हो गई है लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि अभी जो है जब आरोपी को पकड़ लिया गया था, शटर के अंदर उसे बंद कर दिया गया था, तो कुछ लोग आते हैं और उसे जो है वहां से ईंट पत्थर चलाकर उस शटर को खोलकर और उसे लेकर चले जाते हैं। तब से जो है वो आरोपी वहां से फरार है। अभी स्पॉट पे भी लेके चलेंगे और वहां से भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। तो ये वो जगह है जहां पर जो है उस लड़के को, उस आरोपी को जो है जब उसने राहुल को चाकू मारा, सोनू को चाकू मारा, उसके बाद जो है उस आरोपी को कुछ लोगों ने पकड़कर इसी शटर के अंदर जो है, इसी दुकान के अंदर जो है बंद कर दिया था। आप जरा सोचिए कि ये रास्ता कितना चहल पहल वाला है। अभी जो है यहाँ पर अर्धसैनिक बल की भी तैनाती की गई है। तस्वीरों में दिखाइए कि यहाँ पर जो है अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है, दिल्ली पुलिस है। लेकिन जब सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ पर जब वो बंद था तो वो निकल कैसे गया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम बजरंगी है। अच्छा। मैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट से मुस्ताद विधानसभा का उपाध्यक्ष हूँ। ये बताइए किस तरह से बजरंगी जी आप देख रहे हैं, क्योंकि आपके एरिया में इस तरह की घटना हो गई, सरेआम जो है चाकू लेके चल रहे हैं, धमकाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। देखिए ये जो है आजकल आम हो गई है यहाँ। हाँ। मुस्ताद विधानसभा में ये चीज़ें आम हो गई है। हाँ। यहाँ आए दिन चाकूबाजी होती है, रात को यहाँ अवैध तरीके से खोखे खुलते हैं जो यहाँ 12-1 बजे तक खुलते हैं और उनपे बाहर के लोग आके, यहाँ बाहर के जो बोले सफ़ेद टोपी वाले मुल्ला जो आते हैं ना यहाँ दारू सिगरेट पीने ज्योति नगर से आते इतनी दूर। क्या नाम है आरोपी का, कुछ पता चला? आरोपी का नाम तो पता ही चला पर यहाँ के लोगों ने उसे पकड़ा था। ये पीछे दुकान आप देख रहे हैं इसमें उसको बंद किया था। जो इनकी सामने से इतने संख्या बल आया, करीबन 1500 लोग होंगे, 1000 से प्लस ही होंगे, जिन्होंने आके पथराव किया, करने के बाद डंडों से तोड़ गए अपने साथी को, भगा के ले गए। कल का पूरे दिन रात बीत चुकी है, दिन भी बीत चुका है, अब तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है, ना हुई, वो पकड़ा गया है। विकास जी किस तरह से देख रहे हैं पूरे मामले में जो है अभी तक अपराधी फरार है? देखिए मैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट से इस विधानसभा का अध्यक्ष हूँ और इस पूरी विधानसभा में घूमने के बाद एक निचोड़ हमारा निकला है कि ये जो क्षेत्र है ब्रजपुरी, इसी के अंदर सबसे ज़्यादा ऐसे केस हो रहे हैं। और जब से दंगे हुए, दंगों के बाद तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ इस तरीके का मैटर होता है। ये जो कल केस हुआ इसकी भी खबर हमारे पास आई रात को, हमने पूरी टीम को अपना बोला कि भाई आप अभी घर में रहिए, हम आएंगे। जो आरोपी है मोहम्मद फैज, वो जो है राहुल की बहन की जो शादी होने वाली है उनको भी जो है ये धमकी दे रहे हैं कि चाकू मार दे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उसके परिवार वालों से भी हमारी बात हुई तो उसके परिवार वालों ने भी ये चीज़ बताई कि लड़के को चाकू मारने के बाद इनकी लड़की को भी धमकी दी है, जिसकी 28 तारीख को भी शादी है। तो उस शादी के लिए भी हम अभी यहाँ पहुँचे हैं, हमने फैमिली वालों को, उनके परिवार को अभी सांत्वना दी है कि इसकी प्रोटेक्शन भी हम अपनी तरफ से करेंगे, लेकिन पुलिस वालों से बात करके ये लड़का सबसे पहले पकड़ा जाना चाहिए ताकि आगे इस तरीके की कार्रवाई ना कर पाए कोई। कल उसकी बहन की लगन लिखी जाएगी, उसकी बहन की, दीपक की, तो हमने उसके लिए भी कुछ सोचा है भाई। हम अभी जो है पुलिस वाले प्रोटेक्शन वगैरह करें ना करें उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। हम अपनी तरफ से प्रोटेक्शन उसका यूनाइटेड हिंदू फ्रंट करेगा, पूरा हमारा पूरा यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का परिवार है वो पूरा यहीं पर है, हमारे जितने भी साथ के कार्यकर्ता। तो आप लोग जो है उनकी लगन, उनकी हाँ लगन भी कराएंगे सुरक्षा के लिए भी, और जैसा हमारे से बनेगा उसका भी सहयोग कराएंगे, और बारात आएगी उसकी भी जिम्मेवारी हम लेंगे। लेकिन इस पे जो है सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर कैसे जो है
आरोपी सड़ेआम चाकू लेके घूम रहा था, कैसे उसने चाकू मार दी। चाकू मारने के बाद जब उसे यहाँ बंद किया गया तो वो जो है यहाँ से कौन वो लोग थे जो उसे छुड़ा कर ले गए, क्या दिल्ली पुलिस उस पर भी कार्रवाई करेगी, क्या जिन लोगों ने उसे इस शटर से निकाला है, जो आरोपी हाथ में था पकड़ा जा सकता था वो हाथों से निकल गया, क्या उसके ऊपर भी जो FIR है या फिर उसे भी जो है सज़ा मिलेगी। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।